अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको शोरबे वाले चने बनाने की रेसिपी दूंगी। सबसे पहले तो मैंने ये चने लिए हैं, एक ग्लास ये मैंने चने लिए, और जिस बर्तन में मैंने इसको सारी रात भिगोया था तो उसी में मैंने इसको डबल पानी सुबह में धो के तो पानी डाल दिया आपने इस तरह से। ये पानी में अभी भी ये भीगे हुए हैं, पर इसके अंदर कोई भी सोडा नहीं ऐड करना, कुछ भी नहीं डालना। और अगर आप रात को भिगोएंगी तो ये बहुत ही मजे के बनेंगे। और इसके साथ जो मसालों में मैं ऐड करूंगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून में ऐड करूंगी। ये मैंने 1 टमाटर लिया है और 2 मेरे पास छोटे से प्याज थे, वो मैंने नॉर्मल साइज के प्याज थे जिसको मैंने काट के इस तरह मोटे क्यूब्स में काटा है। मसालों में मेरे पास ये है सॉल्ट है, चिली, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और ये मेरे पास है गरम मसाला। तो सबसे पहले मैं इनको प्रेशर कुकर में गलाऊंगी। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप ये प्रेशर कुकर देचकी में डाल के, पैन में कुछ भी आपके पास जो चीज भी हो आप उसमें डाल के तो हल्की आग पे उसको रख दे, जब तक चने गलेंगे तो फिर आप उसको आप बना सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर पे ये पानी के साथ ही मैं ऐड कर दूंगी। मैंने प्रेशर कुकर पहले से गर्म कर लिया था ताकि टाइम की थोड़ी बचत हो सके। ये मैंने इसके अंदर चने डाल दिए हैं, फिर मैं साथ ही ये सारा साबुत जो मसाला है मैं ये ऐड करूंगी। ये देखिए, ये मैं सारा मसाला इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और साथ ही मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो 1 टेबल स्पून में इसके अंदर ऐड करूंगी। प्रेशर कुकर लगाने के बाद तो चलने ये सारा मसाला अच्छे तरीके से गल गए हैं, टमाटर वगैरह भी। तो मैं इस सूरत में इसके अंदर अब ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल ऐड करने के बाद फिर इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। पानी इतना ऐड कीजिएगा जितना आपने शोरबा रखना हो। 1-2 बॉयल दे के बस इसको गर्म मसाला डाल के हम थोड़ी देर के लिए हल्की आग पे छोड़ देंगे। बस इस तरह से आप इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई कर ले और इसको अच्छी तरह मसाले के साथ इसको भून ले। देखिए कितना ही मसाला जो मैंने इसके अंदर सारे प्याज टमाटर वगैरह डाले थे वो सारे अच्छी तरह से भून गए हैं। ये जो छिलके हैं ये आप बाद में एंड में बिल्कुल जब भून लें तो ये एंड में आप निकाल सकती हैं, क्योंकि टमाटर के पीसेज आपने बड़े बड़े करके हमने डाले थे, इस वजह से ये इजीली हम अपने कुकिंग में से इसको बाहर निकाल सकते हैं खाने में से। जो चने मैंने बनाए हैं, 1 ग्लास चने मैंने लिए थे, तकरीबन 4 पीपल के लिए शोरबे वाले चने इनफ होंगे। अगर आपने ज़्यादा लोगों के लिए बनाने हैं तो इसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा कर लें, या अगर कम के लिए बनाने हैं तो कम कर लें। जो चने के मसाला होता है वो उसको बड़ी अच्छी तरह से भूनना पड़ता है, प्याज टमाटर लहसुन जो हम इसके अंदर ऐड करते हैं, क्योंकि शोरबा हमने इसका बनाना होता है। तो जब हम अच्छी तरह से भूनेंगे नहीं शोरबा सही तरह, इसका वो जो टेस्ट नहीं आएगा उसके अंदर, तो वो ऐसे लगेगा जैसे कच्चा कच्चा सा हम कुछ खा रहे हैं। कोशिश किया करें कि खाने को अच्छी तरह भूनें, जितनी भुनाई करेंगी आप, आपका खाना उतना ही मज़े का बनेगा। तो मैंने ऑलरेडी पहले कैटल का पानी जो एक साइड पे गरम करके रख लिया है, तो जब ये चने मेरे हो जाएंगे तो मैं साथ ही इसका पानी गरम डालूंगी। गरम पानी डालने का मेरा ये मकसद होता है कि फिर हमें इसको ज़्यादा देर के लिए कुक नहीं करना पड़ता, बस हम पानी डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी पानी जो है हमारा बॉईल हो चुका है, तो बस हम इसको थोड़ी देर ही दम पे रख के गरम मसाला डाल के तो बस आग इसकी बंद कर देंगे, हमारे चने बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये देखिए इसका ऑयल जो है वो निकलना शुरू हो गया है। जब ये ऑयल निकलना शुरू हो जाए तो जब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तो इसके शोरबे का जो कलर है वो वाइट वाइट सा होगा। फिर बाद में जब हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे तो फिर दम पे लगाएंगे हल्की आग पे, तो इसका ऑयल जो है और इसकी शक्ल बहुत ही अच्छी निकलेगी। तरीके से भुनाई कर लिया, मैं इसके अंदर गरम पानी ऐड करूँगी। इतना मैं डालूंगी जितना मैंने इसमें शोरबा रखना है, मैं ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी।
फिर मैं इसके अंदर अब गरम मसाला डाल दूंगी, एंड में बिल्कुल डालना है आपने गरम मसाला। फिर अब हम इसको हल्की आग पे रखेंगे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। हाँ जी, तो हमारे चने जो हैं देखिए बिल्कुल रेडी हैं। मैंने हल्की आग पे इसको तकरीबन 15 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था, इसका अच्छे से ऑयल भी निकल आया है। तो आप ये चावल और रोटी के साथ, दोनों के साथ आप इस्तेमाल कर सकती हैं, खा सकती हैं। इसका मज़ा ज़्यादा चावलों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा आता है।